क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप स्टील वायर के साथ वर्क करते हो तो आपको काफी प्रॉब्लम आती है स्टील वायर के साथ वर्क करने में? सबसे पहले आपको स्टील वायर को खोलना है, फिर उसके बाद आपको प्लायर की मदद से स्टील वायर में कुंदा बना लेना है। स्टील वायर में कुंदा बनाने के बाद आपको एक फ्लेक्सिबल पाइप लेना है। फ्लेक्सिबल पाइप में आपको स्टील वायर को डालना है। अब आपको प्लायर की मदद से उस कुंदे को काट लेना है। कुंदे को काटने के बाद आपको पीवीसी टेप की मदद से स्टील वायर में टेप लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। टेप लगाने के बाद आपको स्टील वायर को फ्लेक्सिबल में अंदर की तरफ पुश करना है, फिर दोबारा एक जगह और टेप लगाना है। फिर एक और बार आपको स्टील वायर को अंदर की तरफ पुश करना है, फिर आपको एक जगह और टेप लगाना है, फिर दोबारा से आपको एक और बार पुश करके फिर आपको टेप लगाना है। चार पांच जगह टेप लगाने के बाद जब आपका वही वाला पॉइंट वापस आ जाए जहां पर आपने सबसे पहले टेप लगाया था, वहां पर एक और बार अच्छी तरीके से टेप लगा लें। टेप लगाते वक्त आप याद रखें टेप आपको टाइट हाथ से लगानी है, लूज ना रहे। अगर आपकी टेप लूज लगेगी तो ये आपका खुल भी सकता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक हाथ से आपको फ्लेक्सिबल पाइप पकड़ना और एक हाथ से आपको स्टील वायर फ्लेक्सिबल पाइप में अंदर की तरफ पुश करना है। ये पुश आपको जब तक करना है जब तक आपका पूरा का पूरा स्टील इस फ्लेक्सिबल पाइप में घुस ना जाए। जब आपका पूरा स्टील फ्लेक्सिबल पाइप में घुस जाए तो आपको कुछ इस तरीके का हो जाए, उसके बाद आप इससे वर्क कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना।